कैसे हो यार। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की जो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ जीटीए सैन एंड्रियास के लिए, नहीं जीटीए वाइस सिटी के लिए आपका लोडिंग स्क्रीन का मॉड पैक। ठीक है, जीटीए सैन एंड्रियास के मैं बहुत सारे लोडिंग स्क्रीन के मॉड पैक अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको देने वाला हूँ जीटीए वाइस सिटी का एक बहुत ही बेहतरीन वाला लोडिंग स्क्रीन मॉड पैक। जी हाँ गाइस, एंड ये जो लोडिंग स्क्रीन का मॉड पैक है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल इमेजेस देखने के लिए मिलेगी। अगर आप अपने ग्राफिक सेटिंग्स को चेंज करोगे, या फिर अगर आप अपने गेम को लोड करोगे, या फिर अगर आप गेम के फ्रंट मेन्यू पे अगर थोड़ा सा लुक करोगे, तो आपको जो है पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग देखने के लिए मिलने वाला है। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड इसका जो डेवलपर है, ये मुझे लगता है कि उसने जो ये वाला जो मोड है ये बनाते वक्त उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बेसिकली मोड होगा ये आपको सभी को पसंद आएगा। सो दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि आज की वीडियो में ये वाला मोड अपलोड करना चाहिए आप सभी लोगों के लिए। जो बंदे जीटीए वाइस सिटी अपने फोन के अंदर खेलते हैं उनके लिए वाला लोडिंग स्क्रीन का मोड पैक होने वाला है। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है गाइज, ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने फोन में जीटीए वाइस सिटी को बहुत ज्यादा खेलते हैं एंड उसके लिए चाहते हैं बहुत ही अच्छा लोडिंग स्क्रीन का मोड पैक, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो गाइज, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ कि आपको जो है कौन कौन सी किस किस टाइम पे कौन कौन सी इमेजेस देखने के लिए मिलने वाली है, और किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना रहेगा, क्या पासवर्ड रहेगा, एंड कहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, तो वो सभी चीजें इस वीडियो में ही पता चलने वाली है आपको। काफी छोटी वीडियो होगी तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, उससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं बनाता गाइस। ठीक है, कभी कभार वीडियो से ज्यादा हो जाती है अगर मोड पैक का जो ट्यूटोरियल है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, प्लस बहुत ज्यादा छोटी भी है, तो यार इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि आपका मोड पैक जो है रन करे, आपका मोड रन करे, आपका मोड पैक क्रैश भी हो सकता है एंड आप जो है गेम नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरी देखनी है अगर आप चाहते हो इसको इंस्टॉल करना अपने गेम के अंदर। सो वीडियो को देखते रहिए पूरा। एंड गाइज, बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर, दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा प्रूफ की ओर। सो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। सो गाइज, आपको फाइल डाउनलोड करनी है लोडिंग स्क्रीन मोड जीटीए वीसी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करो जाके। 5 MB का है सिर्फ, और कोई पासवर्ड यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, लोडिंग स्क्रीन का फोल्डर पे क्लिक करो, com.rockstargames.gts.vc का फोल्डर यहाँ पे कट करो। उसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है डिवाइस मेमोरी में, यहाँ पे देख लो डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड, यहाँ पे एंड्रॉइड के फोल्डर में जाओ, देन डेटा के फोल्डर में जाओ एंड उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दो। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी कि आपको अपने जीपीयू के अकॉर्डिंग नेम चेंज करना है या फिर कोई और चीज करनी है। दैट सेड, आपको अपना गेम ओपन करना है एंड देन जैसे अगर आप अपना गेम ओपन करोगे, सी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो मेन्यू है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है गाइस। जी हाँ, आपको जो मेन्यू है वो चेंज हो चुका है पूरा का पूरा, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होगी एंड आपको जो है सिंपली आपको जो गेम रहेगा वो रन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो मेरा ये जो लोडिंग स्क्रीन का जो ये मोड है किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से जो आइकन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, और उसके अलावा यहाँ पे सभी चीज़ें जो है चेंज हो चुकी है लगभग, एंड आपका जो मोड है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ठीक है, एंड आप भी रुको, वीडियो छोड़ के मत जाना। इस चैनल पे अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी, इससे भी अच्छे अच्छे मोड्स की जो वीडियोज है आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, आप ही का फायदा है, कर लेना। और हाँ, एक बात और, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मतलब सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करोगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कहना है। जी हाँ, अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करोगे तो आपको ना ही नोटिफिकेशन आएगा और ना ही आपको किसी भी वीडियो की झलक होगी कि लाइक मैंने वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे किया हुआ है, और यही एक वजह है कि काफ़ी कम लोग जो है वीडियो को देखते हैं। एंड उसके अलावा जो ज़्यादातर सब्सक्राइब जो लोग हैं वो वीडियो को नहीं देखते क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। तो इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो को अगर आप चाहते हो देखना, मोड नए नए मोड्स को देखना चाहते हो, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। फिलहाल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अब कोई बकवास नहीं करूंगा और जाके सेकंड चैनल के लिए वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।